मैं गुरुदेव के चरणों की ताकत से घोषणा करता हूँ कि 2019 में गोसाईगंज में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होगा। अब हमारे मुख्य अतिथि के बोलने की बारी है, उनका आशीर्वचन हमको चाहिए। इसके बाद प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। दर्शकों, तो जो भी इस प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है जान अनजान में किसी से कोई गलती हुई हो तो उसको यही छोड़कर जाएंगे। वह चीज मैं दोबारा ठीक करके आपके सामने परोसने का कष्ट करूंगा। अब मैं अपने साथी भाई केपी सिंह जी को से अनुरोध करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को, ऑर्गेनाइजर को और जिन्होंने यह प्रतियोगिता संपन्न कराई है उन सबको आशीर्वचन से अब सिंचित करें। भाई केपी सिंह, सांसद जौनपुर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी लोकसभा में यहाँ के सांसद हरिओम पांडे जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि हमको धन्यवाद दिया, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि सच में इतना अच्छा मैं हकीकत बता रहा हूँ, टीवी के अलावा मैंने नहीं देखा था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि गाँव से प्रतिभाएं निकली, दूर दराज से हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं अभी हैं छुपी हुई, हमारे प्रधानमंत्री खेलों के मान लीजिए हर चीज में उनका नजर है कि हर चीज में भारत का उत्थान हो, लेकिन खेलों के प्रति भी उनका विशेष वो है। तो दूर दराज ग्रामीण अंचल में इतनी बड़ी प्रतियोगिता आपने करा के निश्चित ही अगल बगल बच्चों में इतना बढ़िया गेम देख के खेलने की लालसा बढ़ेगी, क्योंकि खेल में जब खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं विश्व पटल पर जाके ओलंपिक में या एशियाड में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल कांस्य मेडल लाते हैं तो सारे देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ता है। मैं सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, ये आशा करता हूं कि आप सब इस पर आपको इतनी शक्ति दे कि आप एक दिन भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए विदेश में जाके। और मैं हरिओम पांडे जी से पुनः निवेदन करूंगा कि अगली बार हमको भूल मच जाएगा, बहुत अच्छा गेम आपने दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरस्कार वितरण के लिए मैं भाई आयोजन सचिव गिरिजा शंकर सिंह जी का आह्वान करता हूँ। ऑफ द चैंपियनशिप कैप्टन प्रीत कुमार।